close till I get up. Time is barely. किससे आप लोग, मैं हूँ राहुल, आप लोग देखे राहुल ब्लॉग्स। आज 26 जनवरी 2022 है और आज रिपब्लिक डे है, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज मैं रिपब्लिक डे की तौर पर एक राज्य जाने वाला हूँ। मैं आज जाऊँगा नागालैंड के जो वोखा नाम की जगह है, वहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, डोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो मैं आज नागालैंड वोखा में जो डोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, तो मैं डोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट जाने वाला हूँ आज। और मैं मेरे घर से देरगांव जाऊंगा, देरगांव में मेरे भैया है, तो भैया के कुछ साथी जाएंगे और मेरे घर के पास के दो तीन साथी जाएंगे मेरे साथ। तो हमारे आज का इस राइड का मेन मीटअप पॉइंट है देरगांव। तो देरगांव में मेरा जो भैया और भैया के साथी है, उन लोग के साथ हम ज्वाइन होके डायरेक्ट डोयांग के लिए निकलेंगे। और अभी लगभग 6:42 हुआ है, देख रहे आप लोग, 6:42 हुआ है। तो 8 बजे मैं घर से निकलूँगा और डायरेक्ट देरगांव जाऊंगा, और देरगांव से मेरा भैया और उनके साथ ही और हम सब मिल के डायरेक्ट डोयांग के निकलेंगे। और मैंने एक शूज़ ऑर्डर किया था डीकैथलॉन का, मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये देख रहे हैं यहाँ पे डीकैथलॉन का ब्रांडिंग अच्छे से किया हुआ है बॉक्स पे, और तो ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है मैंने। और मेन शू है क्या तो वो दिखा रहा हूँ, ये है मेन शू, ये है डीकैथलॉन टारमैक 500 सील्स बास्केटबॉल शू। यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है वेबलॉक 2.0। और ये है मेन शू, यहाँ पे लिखा है टारमैक, मतलब ये शू का एडिशन का नाम ही है टारमैक। एक्चुअली बेसिकली ये बास्केटबॉल शू है, डीकैथलॉन टारमैक 500 सील। यहाँ पे भी टारमैक का ब्रांडिंग अच्छे से किया हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे डीकैथलॉन का ब्रांडिंग अच्छे से क्या है, ये लिखा है डीकैथलॉन। और ये साइज़ है 10.5, मेरा पेट थोड़ा बड़ा है इसलिए बड़ा ऑर्डर किया है मैंने। मुझे ये शू पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आज तक मैंने पहना नहीं है लेकिन आज पहन के रख जाऊँगा। तो गाइस ये शूज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये लिख रहे आप लोग डीकैथलॉन टारमैक 500 सील। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना ये शूज़। और ये शूज़ मुझे पड़ा 3800 का, इसका एम आर पी था 4000 और फ्लिपकार्ट पे मुझे 200 का डिस्काउंट मिला। मैंने डीकैथलॉन का जो ऐप है वहाँ से भी ऑर्डर करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे 3700 है, 100 रुपये कम था, लेकिन मतलब सीओडी नहीं था और मेरे मतलब गूगल पे अकाउंट में पे मतलब बैलेंस भी नहीं थी, इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी से लिया ये शूज़। इस शूज़ का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे लूँगा। ये आप लोगों को ये शूज़ मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, और मिंत्रा फ्लिपकार्ट और डीकैथलॉन के जो ऐप है वहाँ पे अवेलेबल है, अमेजोन में आप लोगों को नहीं मिलेगा शायद, मैंने देखा था। तो ये शूज़ मुझे पड़ा 3800 का, 3800 का। तो अगर आप लोगों को ये शूज़ अच्छा लग रहा है और आप लोग भी ये शूज़ खरीदना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप लोग खरीद सकते हैं ये शूज़। तो गाइस अभी 6:54 हो गया है और एक घंटे के बाद मुझे निकलना है घर से देरगांव के लिए, और देरगांव से हम सारे राइडर्स ज्वाइन होकर डोयांग के लिए निकलेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट अच्छे चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ डोयांग का व्यू। तो चलिए गाइस। तो गाइस अभी अभी हम खा के होटल से निकले हैं, अभी दिख रही है बाइक्स का लाइनअप। अभी यहाँ से डायरेक्ट मतलब मैं यहाँ नहीं जाएंगे, मैं वहीं से डायरेक्ट डोयांग जाएंगे। अभी आप लोगों को बाइक्स का लाइनअप दिखाता हूँ।
तो गैस अभी अभी हम मैरापानी से निकल के अभी नागालैंड एरा हो चुके हैं, नागालैंड फुट हिल। ये देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है, देख रहे हैं आप लोग को, बाकी सारे एड्रेस पीछे खड़ा है। अभी डायरेक्ट डोयांग के लिए निकलेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग। अभी डोयांग यहाँ से लगभग 30-35 किलोमीटर होगा, तो अभी जल्दी से चलते हैं, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्ट डोयांग पे मिलता हूँ। तो चलिए गैस, पर बच्चे डोयांग चलते हैं। सब लोग देख रहे हैं यार, यार नागालैंड यहाँ से डोयांग थोड़ी देर, मतलब एक घंटे का रास्ता होगा, तो एक घंटा 45 मिनट्स लगभग 30 किलोमीटर होगा शायद। देख रहे कितना अच्छा व्यू, और ये सब लोग फोटो सब पे बिजी है, देख रहे आप लोग। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं बाइक्स का लाइनअप, ये है MT15 अभी हम नागालैंड पहुंच गए, देख रहे कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, यहाँ पे सब फोटोशूट कर रहे हैं और व्यू तो देख ही रहे आप लोग कितना अच्छा है। अभी यहाँ से डोयांग लगभग 30 किलोमीटर होगा शायद। तो गाइस हम सनरीज पहुंचे, यहाँ से डोयांग लगभग 9 किलोमीटर होगा, डोयांग जो व्यू पॉइंट है। ये देख रहे हैं मेरा पिलियन कैंपस दा, वो बाकी एड्रेस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, 9 किलोमीटर बचा है, उसके बाद डायरेक्ट हम डोयांग पहुंच जाएंगे। उसके बाद डोयांग पहुंचते आप लोगों को मतलब डोयांग का वीडियो दिखाऊंगा। तो चलेगा बड़ा बच्चे चल रहे हैं। फाइनली गैस हम डोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट पहुंच गए, ये देख रहे हैं पीछे का व्यू कितना अच्छा है। अभी वो बंदा ड्रोन उड़ा रहा है, इस वीडियो में आप लोगों को ड्रोन शॉट भी देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं आप लोगों को कितना अच्छा व्यू है डोयांग का। क्या नजारा है आप लोग देख रहे हैं, देख रहे गाइस डोयांग हाइड्रो प्रोजेक्ट कितना अच्छा व्यू है, देख रहे हैं।
लिख रहे दिख रहे नीचे भी जा सकते हैं आप लोग, वहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है। मेन व्यू पॉइंट तो यही है, सारा नज़ारा दिख जाता है यहाँ पे। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं ड्रॉइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, ड्रॉइंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख जाएगा हाइड्रोबाजार का व्यू पॉइंट। और वहाँ नीचे पे हेलीपैड भी है, देख रहे आप लोग, देख रहे हैं कितना अच्छा व्यू है। तो गैस अभी अभी हम थोड़ी देर पहले दोएंग से निकले हैं, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पिए पिए, अभी डायरेक्ट जाके मायापानी में लंच करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट घर के लिए निकलेंगे। अभी यहाँ से मायापानी लगभग एक घंटे का रास्ता है, मतलब 25 to 30 kilometers होगा यहाँ से। तो अभी डायरेक्ट मायापानी से आएंगे, वहाँ पे ही लंच करेंगे। तो चलिए गैस फटाफट से चलते हैं, ये देखिए सारे एड्रेस अभी थोड़ी रिस्क कर रहे हैं, 5-10 मिनट रुकेंगे यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट मैपिंग चलेंगे। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on फरवरी 2022 है और मैं दोएंग गया था 26 जनवरी 2022 को, और आज एक महीने के बाद मैं ये ब्लॉग डालने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं। तो आज एक महीने के बाद मैं ये ब्लॉग अपलोड करने जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा दोएंग हाइड्रो प्रोजेक्ट राइड जाके। लेकिन अभी सुनने में आया है कि दोएंग जो मेन दोएंग रिवर डैम है वो बंद करके रखा हुआ है कोविड की वजह से, तो मार्च से अप्रैल में शायद डैम खुलेगा। तो आप लोग अगर दोएंग जाना चाहते हैं तो अभी मत जाइए, क्योंकि अगर अभी आप लोग दोएंग जाएंगे तो आप लोगों को डैम अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग मार्च या अप्रैल में जाइएगा तो अच्छे से देखने को मिलेगा आप लोगों को दोएंग रिवर डैम। और मैं तो प्रिफर करूँगा आप लोगों को ये जगह, मतलब बहुत अच्छा प्लेस है ये, मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये प्लेस। तो आप लोग भी जा सकते हैं दोएंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, मायापानी से लगभग गोलाघाट के जो मायापानी है वहाँ से लगभग 50 to 60 kilometers होगा मेन जो व्यू पॉइंट है दोएंग का वहाँ तक। तो मतलब मायापानी के बाद जो मतलब नागालैंड, मायापानी के बाद जो नागालैंड बॉर्डर आता है वहाँ पे एंट्री फीस लगता है पर बाइक 100 rupees, और कार हुआ तो ज़्यादा लगेगा शायद, मुझे अच्छे से पता नहीं है। लेकिन मतलब जब हम मायापानी पहुँचे तो नागालैंड बॉर्डर के पहले, मतलब
मैं अपनी के बाद जो नागालैंड बॉर्डर है वो नागालैंड बॉर्डर पहुँचने से पहले हमें दो नागालैंड के लोकल आदमी मिल गए थे, दो नागा लोग मतलब मिल गए थे। तो उन लोगों ने बोला कि हमें आगे तक ड्रॉप कर दो तो आप लोगों का मतलब वो एंट्री फीस नहीं लगेगा दोयंग जाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारा हमारे साथ जितने भी राइडर्स थे तो उन लोगों में से दो राइडर मतलब सिंगल था, मतलब वो उसके पीछे पिलियन नहीं था। तो दो दो लोकल नागा लोग थे। तो उन दोनों को हम लोगों ने जो राइडर्स मतलब सिंगल थे जिसके पीछे पिलियन नहीं थे उन लोगों के पीछे मतलब बिठा दिया। और नागालैंड बॉर्डर जब हम पहुँचे तो उन लोगों ने उन दो नागा लोग ने बोला कि ये हमारे दोस्त है, ऐसा ऐसा कुछ बोला, पता नहीं ना नागामीज में बात कर रहे वो लोग, मुझे नागामीज आता नहीं है इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो लोग क्या बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने ऐसा ऐसा बोला कुछ बोला, तो हम लोगों का एंट्री फीस नहीं लिया बॉर्डर पे। तो हम लोग बिना एंट्री फीस दिए ही मतलब घुस गए नागालैंड में। उसके बाद उन लोगों को हम लोगों ने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद हम लोगों ने वहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली 40-50 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम लोग दोयंग रिवर डैम पहुँच गए। और वहाँ पे मैंने ब्लॉग्स ही बना, हम लोगों में से एक राइडर मतलब ड्रोन लेके गया था तो उसने ड्रोन सोच लिए और सबने फ़ोटो खींचा। ऐसे ऐसे मतलब बहुत अच्छा प्लेस है, मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को ये प्लेस घूमने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा 1K सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा शायद, क्योंकि 967 या 68 सब्सक्राइबर होकर रखा है अभी अभी 30 या 32 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए 1K कंप्लीट होने के लिए। तो आप लोग जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स हिट कर दीजिए गाइस। लव यू ऑल गाइस, जय होम।